ये है चाहते कि शुरुआत से ही रुद्राक्ष और प्रशा की बॉन्डिंग पर कई सारे बातें कही और सुनी जाती हैं, लेकिन अब इस शो में सबसे तगड़ी बॉन्डिंग अगर किसी की चल रही है तो वो है वन एंड ओनली हम सब की लिटिल चैंप रूही, यानी कि चाइल्ड एक्टर स्वर्णा पांडे की और हमारे अबरार काजी की, जिनको ऑन स्क्रीन ही नहीं बल्कि ऑफ स्क्रीन भी एक दूसरे के साथ काफ़ी क्वालिटी टाइम स्पेंड करते हुए स्पॉट किया जाता है। लेकिन रिसेंटली चल रहे ट्रैक की माने तो यहाँ पर रूही हो चुकी है रुद्राक्ष से थोड़ी सी अपसेट और अपनी प्यारी क्यूट सी एंजल को मनाने के लिए रुद्राक्ष करने वाला है थोड़े से एक्स्ट्रा एफर्ट्स, जहाँ पर आप देख सकते हैं कि कैसे नानी अम्मा का क्रेडिट नानी अम्मा का टैग दे चुका है रुद्राक्ष रूही को, जिसके बाद में रूही भी बड़ी अदाओं से रुद्राक्ष पर हक जताती हुई नजर आती है। तब ऐसे में रुद्राक्ष अपनी नानी माँ को मनाने के लिए अपने हाथ से बना हुआ ग्रीटिंग कार्ड उसे गिफ्ट करने वाला है और यही होगा इन दोनों के स्पेशल रिश्ते की और भी ज़्यादा स्पेशल होने की शुरुआत, क्योंकि जहाँ पर रूही को रुद्राक्ष को देख करके प्यार आने लगा है, उसका साथ पसंद आ रहा है, तो दूसरी तरफ रुद्राक्ष को भी रूही के बिना काफ़ी ज़्यादा खलता है। अब ऐसे में देखना होगा बेहद इंटरेस्टिंग कि जब रुद्राक्ष और रूही को आपस के रिश्ते के बारे में पता चलेगा तब क्या होगा इन दोनों का रिएक्शन और क्या होगा युवराज की कहानी का असर, ये सब कुछ आने वाले सीक्वेंसेस में आपको देखने के लिए मिलने वाला है। लेकिन फिलहाल अगर आप लोगों से पूछी जाए एज अ ऑडियंस, आपको रूही और रुद्राक्ष का बॉन्ड कैसा लग रहा है, क्या सारांश और रूही के बॉन्ड के बीच में आप किसका बॉन्ड चुनना चाहेंगे, किसे ज़्यादा स्क्रीन पर देखना चाहेंगे, तो अपनी अपनी राय कॉमेंट ज़रूर करें। साथ ही इस वीडियो को लाइक शेयर करके चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।